हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल बिस्टन बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद एक नया वीडियो जिसका इलाइट पास 18 के साथ ताल्लुकात है, जो 18 सीजन 18 का इलाइट पास है वो लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ। बट ऑलमोस्ट सब लोगों ने देख चुके हैं सीजन 18 का इलाइट पास, लेकिन मैं थोड़ा लेट हूँ, बट कोई बात नहीं। तो पहले बात कर लेता हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार आगे तक शेयर कर देना, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं इलाइट पास के बारे में। इस बार के इलाइट पास में एक अच्छा चीज़ नहीं है कि आपको इमोट्स नहीं मिलने वाले। यस, आपने सही सुना मेरी बात, इमोट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और रही बात यहाँ पे ड्रेस, अवतार, जो भी बैनर, यूएमपी जो लेजेंड स्किन नहीं है, सिंपल सा एक कलरफुल आपको एक यूएमपी का स्किन देखने को मिलेगा, एकदम अच्छा सा प्यारा सा, जिसमें मतलब क्या स्केलेटन का शेडो लगा होगा और पैराशूट जिसमें मास्क वाला फ़ोटो भी होगा। और यार बता दूँ, वीडियो लेट है, कुछ रीजंस है जो मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन हाँ वीडियो आएगा, अभी आएगा, अभी शुरू हो जाएगा, अभी मतलब समझ लो शुरू हो गया कुछ, ठीक है। अभी एकदम शांति बैठ जाओ, जो मेरे मतलब सपोर्टर है, मुझे जो सपोर्ट करते हैं, आप इन्जॉय करो, अभी वीडियो एक रेगुलर अपलोड होगा, ठीक है। बात करते हैं फीमेल ड्रेस की। भाई एकदम जहर, एकदम मज़ा आ गया, ये ड्रेस देख के ना एकदम दिल खुश हो गया भाई। तो यार जो इस बार का इलाइट पास लेना चाहते हैं यार, अभी से मेंबरशिप ले सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि ये एक अच्छा ड्रेस है, मतलब देखने में बहुत ही प्यारा है और या अच्छा है। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, आपको इस बार का इमोट नहीं मिलने वाला, ठीक है। और ये भी अभी तक पूरा क्लियर नहीं है कि ये सीजन में ये इलाइट पास आएगा, ठीक है। लेकिन मैं सब लोग बताए हैं, इसीलिए मैं भी यही चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये वाला इलाइट पास देखने को मिले, बट चेंज हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक बार आपको पहले इलाइट पास के बारे में बता दिया था, लेकिन बाद में और दूसरा इलाइट पास आ गया था, ठीक है। एंड अगर मैं बता रहा हूँ कि हर एक इमोट देना चाहिए गरीना वालों को, यस हम डिमांड करेंगे और हमें इमोट भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं M49 जो है, जो मशीन गन जो हमें ड्रॉप में मिलता है, इसका ऑलरेडी हमारे पास एक इलाइट पास के साथ स्किन दे चुके हैं गरीना वाले, तो आप फिर से दे रहे हैं तो उसमें हम कुछ बात नहीं बोल सकते। और बैक पैक की बात करें तो एकदम भाई, किसी ने अगर FZ गाड़ी चलाया होगा तो उसका मतलब हेलमेट ही लग रहा है, और मतलब एक धासु सा बैकपैक है उसका, मतलब लेजेंड है बैकपैक, पहली बार लेजेंड बैकपैक मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी तक सीज़न 1 से लेके सीज़न 18 तक हमें कोई भी बैग लेजेंड नहीं मिला जिसके अंदर से कोई चमकदार चीज़ निकले, लेकिन सीज़न 18 में हमें गरीना वाले ने प्रोवाइड किया हमारा एक लेजेंड बैग। और यहाँ पे देख सकते हो सर्फ बोर्ड, आहा क्या मज़ेदार सर्फ बोर्ड है यार, जिसमें मतलब स्केलेटन है और एकदम धासु आग निकलने वाला, ठीक है। तो यार देखने में मज़ा आ रहा है, इस बार का इलाइट पास में थोड़ा सा इंक्रीज हमारा पैसा वसूल हो ही जाएगा, 500 डायमंड नेवर माइंड, क्योंकि इसमें ना थोड़ा अच्छा चीज़ दिख रहा है मुझे। और रही बात यहाँ पे लूट बॉक्स की और अवतार की, तो अवतार की बात कर ले, यहाँ पे देख सकते हो आपको एकदम चमकदार स्पाइडरमैन की, जो देखा जाए तो स्पाइडरमैन की कुछ चीज़ें भी इसमें मैच हो रहा है मेरे हिसाब से। और रही बात हमारा इलाइट हमारा जो लूट बॉक्स है, यहाँ पे देख सकते हो एक हेलमेट है जो अंदर दबा हुआ है, एंड दोनों साइड से हमारे चाकू दिख रहे हैं, एंड आग निकल रहा है इससे, ठीक है, सही है। और रही बात हमारे पास दो सर्व बोर्ड मिलने वाला है, रिमेंबर दो सर्व बोर्ड मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अभी एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, वो डायमंड है या मैजिक क्यूब है या क्या है, ठीक है। उसके लिए बहुत लोग क्वेश्चन किए मुझे, ठीक है, कि भाई इस बार की इलाइट पास में इमोट तो नहीं है, बट कुछ नया चीज़ गरीना वालों ने ऐड किया है, बट ये है क्या, ठीक है। ये कुछ क्यूब है, कुछ अगर बात कर ले मैजिक क्यूब की तरह, लेकिन ये मैजिक क्यूब नहीं है, लेकिन उससे भी आप कुछ चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, मेरे आइडिया से, मेरे मतलब नॉलेज बता रहा है कि इससे आप कुछ चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक गन की स्किन्स, या तो कोई कैरेक्टर, या तो कुछ तो स्किन्स आप इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टोन भी मिल जाएगा, गोल्ड स्टोन, वो भी आपको मिल जाएगा। बैकपैक, तो बैकपैक भी हमें दो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एक सिंपल सा बैकपैक है जिसमें आपको जोकर का फोटो दिख रहा होगा थोड़ा, एंड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 तो थोड़ा एकदम धासु है यार, एकदम जहर जैसा। और आप बात करते हैं फाइनली हमारा
मेल का ड्रेस, ठीक है, मेल का ड्रेस का अभी ये ड्रेस अभी हम हर एक इलाइट पास में अभी हमको ये मिलता है, ठीक है। रही बात हमारा जो मेल का ड्रेस है, उसमें एक डेकोरेशन किया गया है गरीना वालों ने अपने तरफ से, बहुत अच्छे खासे डेकोरेशन किया है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो हमने जो भी यहाँ पे देखा है अभी तक, अभी मैंने आपको जो भी दिखाया है, अगर ये इलाइट पास 18 में आ रहा है तो मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस हो सकता है अभी भी, ठीक है। उसमें शायद आपको इमोट देखने को मिले या नहीं मिले, ये मतलब आपको मैं कन्फर्म नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर इलाइट पास लीक हो चुका है, बट इन फ्यूचर आपको शायद ही इमोट देखने को मिले, या तो बंद ही कर देंगे गरीना वालों, तो थोड़ा उनका भी डायमंड थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 400 डायमंड से हमें जो इलाइट पास मिल रहा था पहले वो दे देंगे तो चलेगा, क्योंकि इमोट नहीं देंगे तो हमें 400 रुपये से जो इलाइट पास मिलेगा वो चलेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जो मेल का ड्रेस है, एकदम भाई एकदम मैं तो किस करूँगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो डिज़ाइनिंग है, अगर आपने इलाइट पास सीज़न 5 या तो सीज़न 6 का एक इलाइट पास था जिसमें भी कुछ इस तरह सा कुछ डेकोरेशन इसमें मैच हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे उस डेकोरेशन के साथ ये डेकोरेशन एकदम मिक्स हो रहा है। और रही बात आपको 250 जब हो जाएगा इसमें से आपको बाइक स्किन और केली का और इमोट्स और मैजिक क्यूब मिलने का चांसेस है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बस, अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो मिलेगा, ठीक है। और रही बात पूरा अभी आपने जो इलाइट पास देखा है, जो भी अभी मैंने जो बताया है, जो अवतार है एंड जो गोल्ड है, सब कुछ वैसा ही है, बट इसमें एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इमोट हमें मिलेगा या नहीं। बट एक चीज़ बता दूं मैं गाइस, ये पूरा इलाइट पास जो अभी मैं अभी बता रहा हूँ, या तो कोई और यूट्यूबर ने बताया, जितने यूट्यूबर ने बताया होगा इलाइट पास 18 के जो ये वाला अभी मैं बता रहा हूँ, ये शायद ही आपको देखने को मिले, या तो नहीं भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है। मैं जितना मतलब आइडिया से बता रही, शायद अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर कंफर्म होता है तो आपको इमोट भी देखने को ज़रूरी है। और इमोट के अलावा गरीना ने ऐड किया है वो मैजिक क्यूब को, ठीक है, मैजिक क्यूब है या क्या है वो ऐड किया है, तो वो शायद इन फ्यूचर आपको कुछ चीज़ों के साथ एक्सचेंज करने का ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही वेट करना यार मेरे जो सपोर्टर है, प्लीज सर आगे तक पहुँचा दो यार, बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं डाला, अभी बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप लोग के भरोसे वीडियो छोड़ रहा हूँ यार, तो प्लीज़ आगे तक शेयर करो, और मेरे चैनल पर नए होते यार सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलूंगा एक नया वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। I swear.